रेस लगा रहेगा मेरे साथ, मेरे साथ रेस लगाएगा। 180 जब मैंने स्पीड देखी ना भाई, मैं रुक गया, मैंने कहा भाई ये तो भाई काफी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोग के? होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई लोग, आज है सैटरडे एंड मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बता दिया था कि आज अपने को जाना है मस्टैंग और अपनी टेनआर को लेके बाहर, एंड ड्रैग रेस टाइप कुछ करना है जीटी और टेनआर की। तो अभी हम लोग दोनों गाड़ी और बाइक दोनों को लेके जाने वाले हैं लोकेशन पे, एंड अभी सनी यहाँ पर सो रहा है बेचारा। आप लोगों को पता है इसके एग्जाम आने वाले 10th बोर्ड के, तो इसीलिए गाइस ये आजकल व्लॉग में भी ज्यादा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसको पढ़ाई वढ़ाई करनी है, ज्यादा घर पे रहता है, पढ़ता भी अब थोड़ा बहुत, इसको पढ़ाई करनी होती है इसलिए इसको ज्यादा व्लॉग में भी लेते नहीं है। और ये आज वैसे भी साथ में नहीं आएगा, सो रहा है, इसको सोने देते हैं, फिर थोड़ी देर में पढ़ेगा वढ़ेगा जो भी करेगा। हम लोग निकलते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, तो चलो चलते हैं एंड मैं मिलता हूँ आपको कार पे। ओके सो गाइस लेट्स गो। अरे खुल जा भाई, चलो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। और ये है वी गो, छोटे छोटे से बच्चे आए हुए थे अभी गाड़ी देखने के लिए। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं एंड देख सकते हो आप लोग आगे जा रही है अपनी टेनआर जो मानो लेके जा रहा है भाई। लेकिन इसके पब्लिक रिएक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक वाला है, लेकिन जब इसमें एग्जॉस्ट लग जाएगा ना तब तो मतलब मैं कह रहा हूँ जो अभी 10% रिएक्शन आ रहे ना उसके 100% रिएक्शन आएंगे, 90% जो कम है ना रिएक्शन वो भी आ जाएंगे, क्योंकि एग्जॉस्ट लगने के बाद ना बाइक बहुत ज्यादा ना खतरनाक सी हो जाती है। और कहीं से भी गुजरती है ना, रेव भी ना करो ना, उसके बिना भी ना इतनी ज्यादा डरावनी लगती है ना बाइक, और जब जाती है तो भाई बहुत शोर करती है, तो रिएक्शन बहुत तगड़े आएंगे जब इसमें एग्जॉस्ट लग जाएगा। उसी चक्कर में ना गाइस अभी मैं इसीलिए इसका ये रिएक्शन वीडियो नहीं बना रहा हूँ ZX-NR का, क्योंकि एग्जॉस्ट के बिना क्या ही रिएक्शन लेंगे यार। जब एग्जॉस्ट लग जाएगा उसके बाद इसको थोड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी साइड भी ले जा सकते हैं, बहुत तगड़े रिएक्शन आएंगे। एंड 360 कैमरा ले लेंगे उससे, तो आपको पता है कितना मस्त रिकॉर्ड होगा, तो वो रिएक्शंस की जो वीडियोस है ना वो भी आएगी, बट अभी के लिए नहीं, बाकी अभी चलते हैं। और आज अच्छी बात ये है कि वेदर आज का बहुत अच्छा है, तो रील्स वगैरह भी अच्छी खासी शूट हो जाएगी, तो अभी चलते हैं। ओके सो गाइस ये रही अपनी जीटी एंड यहां पर है अपनी बाइक, चलो ले चलते हैं इसको। चले चलो गाइस लेट्स गो, ये आएंगे पीछे पीछे जीटी को लेके, एंड मैं चला रहा हूं बाइक जहां तक अपनी लोकेशन तक, एंड फिर वहां से अपना हम लोग वीडियो वगैरह शूट करेंगे, ड्रैग रेस जो भी है वो करेंगे। एंड ओह एक सेकंड यार, ये इसके मिरर्स खोलने पड़ेंगे, इसके बिना तो दिक्कत आ जाएगी चलाने में बाइक को बहुत ज़्यादा, इनको खोलना बड़ा मुश्किल है भाई, बड़े टाइट है। चलो खुल गया, एडजस्ट भी करने पड़ेंगे। चलो ओके ठीक है, वैसे एडजस्ट हुए हुए, बस बस ठीक है, रहने दे रहने दे, सही है। चलो बाइक को करते स्टार्ट, ये फर्स्ट गियर पर इसको न्यूट्रल भी कर लेता हूँ पहले। चलो चलो जी स्टार्ट हो चुकी है, चले मैं निकल लेता हूँ पहले, फिर ये धीरे धीरे करके आएंगे। बस फर्स्ट गियर डाल दिया है एंड स्टैंड हटा हुआ है ना, ओके गाइस हियर वी गो लेट्स गो। चलो जी हो चुकी है अपनी राइड शुरू, एंड चलिए चलते हैं। होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही हो, बस माइक में ना थोड़ी सी दिक्कत है, और ये साइड मिरर बड़े हेल्पफुल है भाई, इनसे इतनी। अरे इसको देखो भाई, ये कहाँ से आ रहा है, रॉन्ग साइड आ रहा है भाई बंदा पूरा एकदम। ओके लेट्स गो, थोड़ा सा गियर चेंज कर लेते हैं। आप लोगों को टेढ़ा ना दिख रहा हो यार, मेरे को लग रहा है टेढ़ा आ रहा है, इधर थोड़ा ज़्यादा स्पेस बच रही है, इधर थोड़ी कम बच रही है। हाँ अब सही है थोड़ा। चलो जी यहाँ पे अपने को हल्का फुल्का ट्रैफिक मिल सकता है, उसके बाद थोड़ा खाली मिलेगा फिर उसके बाद। चलो बस ये ट्रैफिक रुके ना भाई, ये फिर दिक्कत आ जाएगी अगर ये रुकते रहे ना ऐसे बीच में। ट्रैफिक में चलाने की तुम्हारे भाई को आदत है नहीं, तुम्हें पता ही है, अगर ऐसे बीच में रुकते रहे तो फिर दिक्कत आ जाएगी मुझे, पर ऐसा होगा नहीं यार यहाँ पे, ये तो बस हाईवे ही है, थोड़ा बहुत बीच में हो जाता है बस। ला 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 ला। और गाइस कल संडे है, कल संडे को तो हम लोग जाएंगे संडे राइड पे मस्त वाली, ठीक है। तो कल तो मैं वैसे भी बाहर ही जाने वाला हूँ राइड पे, और हो सकता है हम लोग बाकी राइडर्स के साथ जाए। एक ना गाइस कावासाकी निंजा का ग्रुप भी है जो हर संडे को आता है यहाँ पे, तो एक बार उनसे कॉन्टेक्ट कर लूँगा ना, तो वहाँ पे बहुत सारी बाइक्स आती है अच्छी, वैसे ज़्यादातर टेनआर आती है मैंने सुना है, Z900 एंड किसी किसी के पास H2 भी है, तो H2 के साथ तो हमारा मस्त कॉन्टेंट बन जाएगा भाई। H2 वाला कोई बंदा है तो मेरे को बताओ यार, इंस्टाग्राम पे मैसेज वैसेज करो, प्राइवेट अकाउंट पे करो या मेन पे करो, कहीं भी करो। चलो जी
और बाइक अभी गाइस पता है, पहले बता दूं रेन मोड पे है, ये स्पोर्ट्स मोड पे नहीं है और नॉर्मल मोड पे भी नहीं है, रोड मोड पे। अगर उस पे गई तो भाई हवा को चीरते हुए जाएगी, बट अपने लिए अभी रेन ही काफ़ी है यार, क्यों फालतू में रिस्क लेना है। ये देखो रेस लगा रहे क्या मेरे साथ। ओके मेरे साथ रेस लगाएगा। नहीं नहीं गाइस रेस नहीं लगा रही, और मेरे को रेस लगानी भी नहीं है भाई। जिसको मुझसे आगे निकलना है निकल जाओ, मुझे नहीं लगानी भाई रेस वेस। पर मैं ये सोच रहा हूँ गाइस, ये जो इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है ना, जब हम लोग रेस देते भगाते कितना मस्त साउंड आती है, जब इसमें एग्जॉस्ट लग जाएगा तो कितने मजे आएंगे यार बाइक चलाने के। ये देखो क्या व्यू है मस्त मेरे आगे, और अपनी प्यारी सी बाइक, बस वो ना आज अमित चला रहा है मस्टैंग को, बस वो ध्यान से चला रहा हो भाई, कोई दिक्कत ना रही हो। वैसे मेरे को दिख तो नहीं रहे पीछे, वो आराम से बस गाड़ी को ले आए। ओके तो गाइस फिलहाल मैंने बाइक खड़ी कर दी है, उनका वेट कर लेते हैं अब थोड़ा, यार वो काफ़ी लेट हो गए। ओके न्यूट्रल पे करके छोड़ दिया मैंने इसको, अभी रहने देते हैं ऑफ पे। तो भाई लोग अपनी जीटी निकल गई आगे, अब हम भी चलते हैं। रिकॉर्ड करना भूल गया, इतनी प्यारी लग रही थी ना, चलो स्टैंड हटा लेते हैं। इतनी प्यारी लग रही थी ना अपनी जीटी जब मैं दूर से देख रहा था, मैं तो डेली चलाता हूँ तो मेरे को पता नहीं चलता, लेकिन भाई जब रोड से गई ना साइड से, इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ना भाई, कसम से बता रहा हूँ। अभी चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा ना मुश्किल है निकालना गाड़ी को, बट निकाल लेंगे, ट्राई करते हैं, क्योंकि आगे से भी गाड़ी आ रही है ना, थोड़ी सी दिक्कत है, बट लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। मजेदार, ओपी बहुत मस्त है यार ये बाइक। बस यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है गाइस, यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक होता है, मेरे को इन्होंने भी बताया कि यार मोड़ पे हर बार गियर चेंज करने होते हैं, तो मैं ना गियर चेंज नहीं करता मोड़ वोड़ जब आते हैं, तो अब थोड़ा सा ना गियर डाउन किया करूँगा भाई। ये देखो यहाँ पे ट्रैफिक लग गया। ओ भाई न्यूट्रल पे आ गई थी भाई, न्यूट्रल पे आ गई थी बाइक। भाई यहाँ पे ना स्पीड ब्रेकर्स पे मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, लास्ट टाइम जब मैं लाया था पहली बार फर्स्ट टाइम, तब भी मेरे को डर लगा था कि यार कहीं बाइक नीचे ना लग जाए, बट ऐसा है नहीं, लगती नहीं है मेरे को। स्टार्टिंग में लगा था कि कहीं इसकी वो कम ना हो यार, ग्राउंड क्लियरेंस जैसे बाकी कार्स बाइक्स में होती है, नहीं लगी। मेरे को बस ऐसा लगता है कि लग जाएगी, बट लगती नहीं है। चलो बढ़िया है, लेकिन ये तो भाई क्या मुझे साइड लेनी चाहिए, नहीं भाई आगे से गाड़ियाँ आती है। बट ये बस वाले ना हमारा काम खराब कर दिया यार, ये बस वाला अब आगे नहीं निकलने देगा अपने को, बहुत मुश्किल है इससे आगे निकलना। और ऐसे भी हूँ मैं बाइक पे, गाड़ी पे होता तो उतनी दिक्कत नहीं होती मुझे, बट बाइक पे थोड़ी परेशानी है। लेकिन अभी नहीं, ट्रक आ गया आगे से। ये बड़ा रिस्की पॉइंट है भाई, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है ये भाई। यहाँ पे जिसको पता नहीं है ना यहाँ का सीन, वो तो भाई हो जाएगा फिर यहाँ पे। पर राइडर्स अच्छे खतरनाक वाले बाइकर्स वो तो निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन मैं नहीं निकल पाऊंगा भाई, इससे साइड लेनी पड़ेगी यार। कैसे ले, खाली रोड मिलेगा तो हाँ अब ले सकते हैं। चलो निकाल ली तुम्हारे भाई ने। वैसे तो यार अब काफी टाइम हो गया बाइक चलाते, इतना नूब भी नहीं हूँ मैं भाई, अब तो थोड़ी बहुत चला ही लेता हूँ। मस्त मजा आ रहा है गाइस बाइक चलाने में, कसम से बता रहा हूँ भाई, मजेदार एकदम। और ये चेक करो गाइस कितना मस्त व्यू है भाई, ऊपर बादल ही बादल, मस्त मस्त पहाड़ यार। इसीलिए भाई यहाँ से जाने का ना मन नहीं करता यार, बहुत सारे लोग बोलते हुए कि दिल्ली या बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ। देखो वहाँ पे जाएंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत कुछ होगा, काम कर सकते अच्छे से, बट यार जो यहाँ पे मजा है ना गाइस, यहाँ का जो मजा है ना वो कहीं नहीं आ सकता यार। ये बात तो आप लोगों को भी माननी पड़ेगी, मानते होगे नहीं कमेंट में बताओ यार, पहाड़ों में रहने का मजा ही कुछ अलग है यार। भाई मैंने कितना टच किया, लेकिन 100 तो नहीं हुआ जितना मेरे को लग रहा है, 100 तो नहीं हुआ। मैंने सोचा था 100 टच करेंगे, बट 100 नहीं हो पाया। ये देखो पूरी खाई है भाई यहाँ से। सो गाइस ये रही अपनी जीटी एंड जरी अपनी टेनर, अभी लेके चलते हैं लोकेशन पे। चलो फटाफट से भाई लेके आ गया भाई तुम्हारा भाई, लेकिन पीठ में इतनी गर्मी लग रही है ना, मेरे को लग रहा है जैकेट उतारना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई यहाँ पे। चलो लेट्स गो बॉयज। फर्स्ट गेयर कर दिया है मैंने, ओ भाई स्टैंड हटाया कि नहीं, हाँ स्टैंड हटा दिया।
चलो गाइस लेट्स गो। हाँ गर्मी बहुत हो गई है यार यहाँ पे, इसको ना कहीं अच्छी जगह पे छाव में खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो ये भाई इसका जो इंजन है ना वो काफ़ी गर्म हो जाएगा एंड फिर अपने को इसको थोड़ी देर के लिए बंद करके रखना पड़ेगा। और अभी भी ना इसने चल गई है, इसको जाके थोड़ी देर खड़ा कर दूंगा मैं 10-15 मिनट के लिए कहीं ठंडे में जाके, क्योंकि फिर ये हीट अप करने लग जाएगी एंड फिर दिक्कत आ सकती है, आपको बताइए लास्ट टाइम क्या दिक्कत आई थी। चलो जी, और GT देखो मिरर में आपको दिख रही होगी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है यार, क्या गाड़ी है यार ये, कसम से बैठ के उतना वो नहीं आता, जो इसको देखने का मज़ा है ना वो अलग है भाई। और बाइक का भी सेम है गाइस, बाइक भी जितने लोग मेरे को मिले ना बोलते व्लॉग में छोटी दिखती है लेकिन रियल लाइफ में बहुत बड़ी है, ये बहुत ह्यूज है यार, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था ना, ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है यार, भारी सी और इतनी बड़ी सी लगती है ना क्या बताऊँ मैं। बाकी चलो चलते हैं लोकेशन पे। ओके सो गाइस ये रही टर्नल एंड देखते हैं क्या सीन बनते हैं, चलो लेट्स गो। फर्स्ट गियर पे बाइक डाल दी है, तेरी भाई बाइक तो हाथ में आने का नाम नहीं ले रही थी भाई। ओह माय गॉड गाइस, पता नहीं कितनी स्पीड गई है, आपको पता लग जाएगा, अब रिकॉर्ड हो चुका है, मैंने ज्यादा देखा नहीं लेकिन बस इतना पता है कि 100 से तो ऊपर चली गई है भाई, इतना पता है 100 से ऊपर चली गई है। चलो आ गई, अरे 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 चचा देख के। चलो जी मजा आ गया गैस, स्वाद आ गया स्वाद, आपको पता ही है गैस भीड़ भीड़ नहीं चाहिए भाई, जब वीडियो बना रहे हो तो भीड़ नहीं चाहिए बिल्कुल भी, एकदम शांति। तो भाई मेरे बाल हो चुके हैं खराब यार, ये हेलमेट लगा के ना बस यही दिक्कत है, बाल खराब हो जाते हैं, बट कोई ना मजा आ गया गैस, बाइक चला के ये खड़ी है अपनी टेनार। अब थोड़ा सा अपना जो ड्रैग रेस जिसके लिए हम लोग आए हैं वो शूट कर लेते हैं। ये अपनी GT कितनी ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही है यार, एक तो वॉश भी करवाई है ना कल इसीलिए थोड़ी और ज्यादा चमक रही है। तो गाइस अभी हम लोगों ने सेटअप कर लिया पूरा का पूरा एंड ये देख सकते हो आप लोग, ये जो GoPro की स्टिक मैंने आप मंगवाई थी आप लोगों को याद ही होगा व्लॉग मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की, तो यहाँ लगेगी एंड ये GoPro मेरे फेस को रिकॉर्ड करेगा जब मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, और पीछे का भी कुछ सीन रिकॉर्ड करेगा। तो आज होने वाले गाइस ड्रैग रेसेस के दो चैलेंज, तो फर्स्ट चैलेंज है हमारा, आप लोग जो मोड देख रहे हो ना मोड वहां से लेकर लानी है एंड ये जो मस्टैंग की एंडिंग है मस्टैंग की एंडिंग तक पहुंचानी है बाइक और कार दोनों एक एक करके, पहले मैं बाइक लाऊंगा फिर कार लाऊंगा, देखते हैं कौन सबसे कम टाइम में वहां से लेकर यहां तक पहुंचती है, ठीक है, देखेंगे पहले बाइक पहुंचती है या फिर कार पहुंचती है, तो अभी देखते हैं गाइस क्या होता है। तो भाई लोग अभी का प्लान कुछ ऐसा है, भाई मानव चलाने वाला है बाइक और मैं चलाऊंगा गाड़ी, भाई देखो जिसको जो अच्छे से चलाना आता है वो वही चलाएगा, मेरे को गाड़ी अच्छे से आती है तो मैं गाड़ी चला लेता हूं, वो बाइक चला लेगा, उसको बढ़िया तरीके से बाइक चलानी आती है। तो भाई अपना आपको चैलेंज मैंने आपको बताई दिया था, वहां से अपने को लानी है यहां तक गाड़ी और बाइक दोनों। तो गाइस अभी मैं यहां पर खड़ा हूं और मानव यहां पर खड़ा है, देखते हैं जो जहां पर आप लोग दिख रहा होगा ना ये गंजा क्रिश कहां है वो रहा देखो ब्राउन ब्राउन सा, वहां पे वहां तक जाना है, जो क्रिश तक पहुंचेगा वो जीत जाएगा, ठीक है, पहले कौन पहुंचेगा, ठीक है, पहले मैं जाता हूं फिर तू जाना, ठीक है, चलो। हम लोग आए थे लेकिन ना यार मस्टैंग का पिकअप थोड़ा सा लेट हुआ यार, है ना, मस्टैंग थोड़ी सी लेट उठी यार, एकदम स्पीड में नहीं भागी, पता नहीं है कौन सी भागी होगी, है ये तो नॉर्मल थी। हाँ नॉर्मल चला भाई इसको वैसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम का एकदम से पिकअप भी नहीं किया, पर हम लोग जाते हुए एक बार रिकॉर्ड करे, अब हम लोग इस तरफ पहुंच गए, उस तरफ भी देखते हैं कौन जल्दी पहुंचती है, तो वहां पे चलते अभी। तो गाइस चलता हूं मैं, 1 2 3
था नॉर्मल वाला टाइमिंग रेस, अभी तो आपको ना बाद में पता चलेगा जब हम लोग रिकॉर्डिंग वगैरह चेक करेंगे कि किसने कितने जल्दी टाइम पार किया है आते हुए भी और जाते हुए भी। अब चलते हैं टर्नल पे, वहीं से करेंगे गाइस मस्त वाली ड्रैग रेस। तो चलो चले वहां से हम लोग एक साथ चलने वाले एंड देखते हैं टर्नल की स्टार्ट से लेकर एंड तक कौन पहले पहुंचेगा। ठीक है, टर्नल की स्टार्ट से लेकर एंड तक कौन पहले पहुंचेगा? नहीं यहाँ से नहीं, वहीं पे स्टार्ट से लेकर एंड तक। चलो वहीं चलते गाइस। अभी टाइम आ चुका है रियल रेस का, ये देख सकते हो आप लोग मस्टैंग जेडी खड़ी है, यहाँ पर बाइक खड़ी है अपनी और ये है एक सुनसान टनल। हम लोगों ने आगे बंदे भी भेज दिए अपने ताकि आगे से कोई गाड़ी वाड़ी आए तो उसको रुकवा ले, कहीं बीच में फिर दिक्कत ना हो जाए, आपको बताइए। तो ये रही बाइक, ठीक है, और ये रही अपनी जीटी। ये जो लाइन है यहाँ से रेस स्टार्ट होगी। अभी मैं बाइक गाड़ी को यहाँ ले आऊँगा थोड़ा एंड यहीं से हम लोग जाएंगे भाई। उतनी ज़्यादा भी मत भगाना कि कहीं, ठीक है। चलो दिया, बोल दिया उनको, बोल दिया मैंने कि आगे रुकवा देना गाड़ी, आगे रुकवाने के लिए बोल दिया मैंने फोन करके। चले रुक जा, सीट बेल्ट लगा लूँ आराम से एकदम। चलो गाइस देखते हैं क्या होता है, देख के। चलो जी, मस्टैंग वर्सेस 10R इन 1 2 3 गो। गाइस मेरी गाड़ी ना 180 पहुंच गई थी, मैंने जब 180 देखा ना तब मैं रुक गया भाई, कि छोड़ दिया था, पहले ही आगे निकल गया था। आ जाओ बाहर, आ जाओ बात करते हैं। भाई साहब गाइस 180 जब मैंने स्पीड देखी ना भाई मैं रुक गया, मैंने कहा भाई लो भाई काफी है, मैं आगे निकल गया हूँ भाई, मेरी तो आंखों से पानी पहले, लेकिन तू आगे निकल गया था। फिर मैंने स्पोर्ट्स मोड डाला और जैसे ही स्पोर्ट्स मोड डाला उसके बाद भाई क्रेजी सीन्स गाइस, क्रेजी सीन, पर मजा आया भाई, पर मजा आया गाइस। मस्टैंग जीत गई, हालांकि मस्टैंग जीत गई, जीतनी तो ये थी बट इसने थोड़ा स्लो भी चलाया, बाकी रेन मोड पे भी है इसका ना ट्रैक्शन। और गाइस इसलिए इसको स्पोर्ट्स पे नहीं डाला इसलिए क्योंकि ना यार आपको बताइए रोड, इसका जो रोड है ना थोड़ा सा ऐसा है, मतलब गाड़ी के लिए ठीक है, गाड़ी चार पहिया है एकदम स्मूथ चली जाएगी, लेकिन बाइक के लिए थोड़ा सा ना उबड़खोड़ सा है, थोड़ा अजीब सा रास्ता है, तो उसमें ये कहीं स्किड हो जाए, कुछ हो जाए, मिट्टी है काफी टाइम से खुला चला भी ना, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा कम किया, लेकिन दोनों ही एक तरह से विनर है, पहले ये आगे गई थी फिर मैं आगे निकल गया। चलो लेकिन भाई मजा आ गया भाई, कसम से नेक्स्ट लेवल, जब गाड़ी भाग रही थी ना कसम से, हेलमेट इस साइड को जाने लग गया था, हेलमेट भाई बहुत 120 भगाई थी मेरी, फट गई थी भाई, 140 अभी कैसी भागी होगी, नेक्स्ट लेवल मजा आ गया गाइस, नेक्स्ट लेवल मजा। अभी चलते हैं घर के लिए भाई, आज तो खतरनाक वाले मजा आ गए। अपनी जीटी आपको बताइए मैंने कल ही वॉश करवाई थी, इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन इस पर भी कलर लग गया, अब देखते हैं अगर टाइम मिलेगा आज तो वॉश करवा लेंगे इसको। अभी आपको ऐसे अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, वीडियो में नहीं दिखेगा, लेकिन गंदी हो चुकी है थोड़ी, पिंक सा कलर इसमें लग चुका है, बट रहने ही देते यार, आज कल परसों में ही करवाएंगे जब इसको लेके आएंगे अगली बार, अभी के लिए कुछ ऐसी है भाई। लेकिन आज क्या मजे आ गए गाइस, मजेदार सीन था भाई ये। चलो अभी चलते हैं यहाँ से। हेलो, अब टाइम आ चुका है घर जाने का और ये रही अपनी जीटी। चलो चलते हैं घर को, अब रील भी हमने बना लिए, दो रील्स बना लिए, इंस्टाग्राम पे जाके ना फॉलो कर देना तुम्हारे भाई को, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब का तो छोड़ो, सब लोग यूट्यूब का लगाते हैं ना, यहाँ पे लगाते हैं लोगो और नेम अपना यहाँ कहीं, मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम का लगा दूँ क्योंकि फॉलो तुम लोग करते नहीं हो। चलो बाकी बाइक को स्टार्ट कर लूँगा, ऐसे ही ले जाता हूँ। लेकिन भाई आज के दिन में काफ़ी मज़ा आ गया गाइस, जो भी बोलो ना, काफ़ी मज़ा आ गया बाइक चलाने का, कार चलाने का। चलो फिलहाल चलते हैं यहाँ से, निकल जाते हैं। चलो जी निकल चुके हैं यहाँ से, हो भाई मज़ा आ गया गाइस। कल संडे, कल भी अपने को आना है, लेकिन कल यहाँ नहीं आएंगे, कल कहीं और जाएंगे, देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है अपना। ये नीचे कर लेता हूँ मैं, चलो ओके। तो फिर आते हुए भी भाई होना तो वही था, अपने को आते हुए भी एक और बस मिल चुकी है,
अब इससे आगे निकलना बड़ा मुश्किल वाला काम है यार, सिंगल लाइन है ना, उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, अब हम अपनी गाड़ी कैसे निकालें वो बड़ी मुश्किल की बात है। अपने बंदे भी सारे पीछे ही है। चलो साइड लेने का टाइम आई थिंक नहीं, यहाँ नहीं ले पाएंगे। हे गाइस, तो मैं गया था जिम एंड जिम से वापस आ चुका हूँ एंड अभी मैं बैठा हूँ पीसी पे, इसलिए मैंने ये लगा के रखा ताकि आंखें खराब ना हो। और अपना वाईफाई ठीक हो गया, आप लोगों ने कल के ब्लॉग में अगर देखा होगा तो वाईफाई अपना खराब था, लेकिन आज फिक्स हो चुका है। और दूसरी चीज, हम लोगों ने आज रील्स बनाई थी एंड दो रील एडिट हो चुकी, इतनी मस्त एडिट हुई है ना, तो भाई इंस्टाग्राम पे जाके कल देख लेना, कल एक रील आएगी एंड मस्त वाली पिक्चर्स भी आने वाली है, और परसों भी एक और रील आएगी। और एक रील मैंने आज डाल दी, वो तो मैंने खुद से एडिट करके डाल दी, बट वो भी बहुत मस्त है। टनल में जब ZX10R और मस्टैंग एक साथ जब ड्रैग रेस की जो उसकी थोड़ी एक क्लिप है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, तो मैंने डाल दी है। बाकी देख लेना, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। बाकी मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो भाई लोग, तो सारा काम हो चुका है, रील की एडिटिंग हो चुकी है, व्लॉग की एडिटिंग हो चुकी है, बस एंडिंग वाला पार्ट मैं एडिट करूंगा एंड बस उसको एक्सपोर्ट करके अपलोड पर डाल दूंगा ताकि आप लोग सुबह ये व्लॉग देख। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा बन गया, वैसे आप लोगों को बड़े व्लॉग ही पसंद है, बट मैं ही बेवकूफ़ क्या हूँ, डेली छोटे छोटे व्लॉग डाल देता हूँ। लेकिन अगर आज के व्लॉग पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा, हमने ज़्यादा शेयर किया एंड व्यूज़ अच्छे आए इस व्लॉग में, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं ज़्यादा बड़े बड़े व्लॉग बनाऊँ एंड हम लोग डेली बाहर कहीं घूमने के लिए जाए, तभी ऑब्वियसली लंबा व्लॉग बनेगा। अगर घर पे रहूंगा मैं ज़्यादा, थोड़ी देर के लिए बाहर निकलूंगा, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो क्या लंबा व्लॉग बनेगा। बाकी आज के व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना, 3 नई रील आने वाली है इंस्टाग्राम पे, तो जाके फॉलो कर दो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।